अज तुहाडा वालिदी की आए अल्लाह दी कसम दुख तुहानू ही होया है तकलीफ तुहानू ही होई है अज तुहाडे अब्बे ते यार भी आए होने ने अज रिश्तेदार भी आए होने ने अज तलक आले भी आए होने ने अज सुल्तानी तुहाडी मस्जिद विच कह चला है ओए सुके रुखे हरे नहीं होंदे ते हरियामी सुख जाना है मोए बंदे है मुड़ नहीं आंदे मिनो मलक सुहेल साहब मिनो मलक रहील साहब मलक हबीब साहब हुन पियो नु मिलन कब्रस्तान जाना पैना है हुन अपे दी कब्र ते जाना पैना है हुन मसीह ते किसे नहीं आके आखना या अल्लाह मेरे रहील दी खैर होए या अल्लाह मेरे हबीब दी खैर होए या अल्लाह मेरे सुहेल दी खैर होए हाय लोग बाप मर जान मेले मुक जांदे ने हाय बाप मर जान वेड़े दस कौन मुक जांदा है साडा अब्बा मसीह ते आके रोंदा होणा है ए सजदियां विच भी रोंदा होणा है ए दुआवां करदा होणा है या अल्लाह मेरे पुत्रां दी खैर करनी है या अल्लाह मेरे शहजादियां दी खैर करनी थानू उन्हें पालिया इस वास्ते सी वे सहेल पुत्रा जब यो मर गया वे हबीब पुत्रा मैनू याद कर जो बाप की याद आवे जो बाप का प्यार सुना मरा की वाला लियो पूरी दुनिया वीडियो वेख रही है सुल्तानी जुमले दे रहे आए जे कभी बाप की याद आवे मलक सा जे कभी अबू की याद आए फिर मैनू मिलन कब्रस्तान आ जाया रे मेरी कब्र ते खलो के कुरान पढ़िया रे मेरी कब्र ते खलो के यासीन पढ़ जाया रे मुसलमान भाइयो मोए बंदे होए मुड़ नहीं आंदे अज रोलो जिन्ना रोना जे थोड़ा बाप ही कब्र विच वेख रहा है हजरा जुमले समाद कर रे खेड़ा मेरा पुत्र प्या रोंदा है खेड़ा मेरा पुत्र मैनू याद प्या करदा है खेड़ा मेरा पुत्र मेरी जुदाई विच अखा प्या वांदा है खेड़ा पुत्र प्या आंदा है अब्बा दलावा एक बारी आ जा बाबा एक बारी सीने ला जा हजरा जुमले समाद फरमाया रे हे मोए बंदे हे मुड़ नहीं आंदे आए हाय हे मोए बंदे हे मुड़ नहीं आंदे असां जोंदियां वी मर जाना माशाल्लाह अज दा ये प्रोग्राम दसवें शरीफ दा खत्मे पाके मलक दलावर हुसैन मरहूम जिन्हां दे दसवें शरीफ दे खत्म दे अंदर असी सारे हजरात तशरीफ फरमावां उन्हां दे बेटे लवाहेगीन जनाबे मलक सुहेल साहेब जनाबे मलक रोहील साहेब जनाबे मलक हबीब साहेब इन्होंने अपने वालिद साहब के इसाले सवाब वास्ते इस सारी बजम नु सजाया दुआ गोवा कि अल्लाह करीम इन्हां दे वालिद साहब की कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए हजरात जी वकार 12:30 बजे तक मेरा टाइम है इंशाल्लाह मैं उस टाइम दे विच ही रह के बाप दी शान दे हवाले दे नाल चंद बातां अर्ज करनियां ने तुसी बड़ी मुहब्बत नाल बड़े इश्क नाल बड़ी परियत नाल समात फरमायो बाबा जी मैनू एक गल दा ते पक्का यकीन हो चुका है पूरी दुनिया ते माशाल्लाह मैं फकीर दी आवाज़ बाप दी शान दे हवाले दे नाल मां दी शान दे हवाले दे नाल लोग सुन रहे ने और ये भी वीडियो पूरी दुनिया ते चलनी और चल रही है और लोग देखेंगे वजदान साउंड सिस्टम दे थ्रू और इन वास्ते भी सदका जारिया बनेगा जिन्हां दे वालिद दुनिया तो गए ने बाबा जी नेकी दा काम कोई भी करे वो अच्छा होना चाहिए और दूसरों तक पहुँचना चाहिए इत्थे चंद लोग पूरी दुनिया वेखेगी मधे कोई वेख के असर कर जाए कोई सुन के असर कर जाए तो अलहम्दुलिल्लाह लोग असर करते भी ने जिन्हां दे दिल दे अंदर बाप की मुहब्बत होवे माँ की मुहब्बत होवे लोग असर करते ने अल्लाह करीम मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए बाबा जी तुसा एक अक्सर एक गल सुनी होनी है
कि लोग आते ना औलाद बड़ी जरूरी है, औलाद बड़ी जरूरी है। तवज्जो फरमायो, मैं गल थोड़े सीने तक पहुँचानी है, अगर तुम्हें समझ लगी तो फिर बोलियो, ना लगी तो समझियो भाई कारी साहब गल केड़ी पे कर दें। लोग कहते हैं कि औलाद होनी बहुत जरूरी है, पुत्र होने बहुत जरूरी ने, धियां होनिया बहुत जरूरी ने। मैनू समझ लगी, मैं क्या कि लोग औलाद क्यों मंगते हैं, लोग पुत्र क्यों मंगते हैं। लोग आते हैं कोई मेरी सारी जायदाद भी ली ले तो अल्लाह मैंने एक पुत्र अता कर छड़े। लोग पीरां कोल जांदे ने, फकीरां कोल जांदे ने, डॉक्टरां कोल जांदे ने औलाद वास्ते। तुसी छोटा मराकी आल दे अंदर तशरीफ फरमाओ, पूरी दुनिया तक आवाज़ जा रही है, औलाद मंगण दा सबब की है कि लोग औलाद पिछे एडा क्यों रुलदे ने जी, क्यों रोंदे ने, दुआवां करदे ने। उहदी बीवी भी दुआ करदी है, खुद भी दुआ करदा, या अल्लाह एक ही पुत्र दे दे, या अल्लाह एक ही दे दे, एक ही बेटी दे दे। जनाब औलाद ता मंगी जांदी जे हुण समझ आई कि मां प्यो आंदा है वे जदों असी दुनिया तो टुर जाइए, दुनिया तो पर्दा कर जाइए तो साडा पिछे कोई हाथ चुकन वाला भी होना चाहिए। मेहरबानी करो गल समझो, जाया नहीं करनी गल, मैं बड़ी वड्डी पे करदा जी। जिस बंदे दी औलाद ना ना होवे तो लोग आंदे ने औतरन खतर दुनिया तो गया, कहदी औलाद कोई नहीं सी। तो फिर जे महलेदार चंगे होण तो कोई पैसे पा के खत्म दुआ छड़ देने, नहीं तो खत्म भी आउंदा। मैं तो अपनी अखां नाल किन्ने वेखे ने बाबा जी, तुसां भी वेखे होणगे। एक भी पुत्र होवे ना, भावें वह निकम्मा ही होवे, भावें वह कुछ ही होवे, कुछ ना करदा होवे, उहनूं अब्बे वास्ते खत्म दुआना पैणा। लोग आखणा तेरा प्यो होवे, भावें लोगों वास्ते करे, भावें दिखावे वास्ते करे, भावें रब की रजा वास्ते करे, उन्हें करना पैना है। और बाबा जी औलाद प्यो मंगदा ही तां वे कि जो असी दुनिया तो जाइए कोई साढ़े पिछे हाथ चुकन वाला होवे, कोई दुआ करन वाला होवे। जिन्हां दी औलाद कोई नहीं आउंदी उन्हां नूं कोई नहीं जे पिछू पुछदा। मैं गल सच्ची पे करदा जे, तो इस वास्ते जिहड़ी नेक औलाद है तो जिहड़ा आखे वी खत्म जांदा ही नहीं, अब्बे की कमाई भी सारी जिंदगी खांदा रहा होवे, अब्बे दे मकान विच भी रहा होवे, अब्बे ने उहनूं जमया भी होवे, पालिया भी होवे, पढ़ाया भी होवे, तो वह एडा पढ़ जाए पुत्र, एडा अगे निकल जाए, अगे अब्बा जी तुसी ते मर गए, हुण मेरा केड़ा कोई दुआ कोई जानी है, ना सवाब जाना ना कोई खत्म जाना है। मैं ना वह कबर विच भी प्यो दुखी हुंदा होना भी मैं किहो जी औलाद जम के आया कि जिहड़ी मेरे पिछू दुआ करनों ते भी राजी नहीं। बाबा जी यह खत्म जिहड़ा ना फरूट वास्ते नहीं हुंदा, गल नूं समझो, ये चावलों वास्ते ते रोटी वास्ते नहीं हुंदा, इहनू समझो। असी उहने क्यों आ, दुनिया जमा क्यों हुंदी है, जमा करन दा मकसद यह होंदा कि यार पिंड वाले आओ, उन्होंने पुत्रां ने बुलाया, रिश्तेदारों आओ, यारो दोस्तों तलकदार आओ, आके साडे अब्बे वास्ते दुआ करो। मेहरबानी जनाब सोना पे सुन दे, मलक साहब साडे वालिद वास्ते दुआ करो। और नबी पाक फरमांदे ने एक कोई पता नहीं होंदा वी मजलस विच महफल विच केड़ा ऐसा होंदा जिहदी दुआ कबूल हो जाती है। हो सकदा मेरी तकरीर ना कबूल होवे, मैं की दावा कर सकना, वह मालिक है जो चाहे कर सकता। हो सकता तुहाडे विचों किसी का बोलना ना होवे, कोई बाबा बैठा होवे जिहड़ा इंज आखे मालका जान दे, हाय 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 मालका जान दे। जिवें किबला फरमा रहे सन, बाबे हरी नमाजी सन, नमाज पढ़न वाले सन, तो बाबा जी मेरे नबी ने फरमाया जिहड़े बंदे नूं वेखो ना मस्जिद जांदा पिया, उहदे ईमान की गवाही दिओ। मेहरबानी करो, उहदे ईमान की गवाही दिओ भी बंदा चंगा सी, बंदा मसीते दा आउण जाण है सी। और वह तुहाडे जिहड़े उहनां दे पुत्तर ने ना, वह भी खुश नसीब ने, उहनां दा अब्बा बेनमाजी नहीं मरिया, नमाजी बन के मरिया है, नमाजी बन के दुनिया तो गया है। लोग बेनमाजी भी दुनिया तो चले जाते हैं। बाबा गल शुरू हो गई, अल्लाह कुरान के अंदर लफ्ज़े वालदैन का जिक्र पे करता है, वबिल वालिदैन एहसाना। मैं गल शुरू तो शुरू की थी, मुंड बनया तुम्हें समझ लग जाए कि मौलवी ने गल केड़ी करनी है। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह कुरान अंदर ऐलान फरमाता अपनी माँ नाल एहसान कर, अपने बाप नाल एहसान कर। या अल्लाह किवें एहसान करिए, अगे अगू सुनो अल्लाह की फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा, उफिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया एहसान इंज करना ही, जे तैनू कदी अब्बे की गल चंगी ना ना लगे, जे तैनू कदी अम्मा की गल चंगी ना लगे,
हो सकता पुत्र गुस्सा लग जाए भी अब्बा यह गल तू चंगी नहीं की तू मेरी बीवी के खिलाफ की है या तू मेरे बच्चों के खिलाफ। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है अगर तेनों माँ बाप की गल चंगी ना लगे बुरी लगे फिर भी उफ नहीं करना। मेहरबानी जनाब मेहरबानी फिर भी उफ ये मैं नहीं बयांदा ये मौलवी नहीं बयांदा ये पीर नहीं बयांदा ये अल्लाह बयांदा ये खालिक़े कायनात बयांदा ये मालिक़े कायनात बयांदा कि अम्मा दे सामने उफ ना करी बाप दे सामने उफ ना करी या अल्लाह की करिए फरमाया अपनी करीमी वाले पर बिछा दें करीमी वाले पर तो साढ़े है कोई नहीं समझो आयत कौलन करीमा फरमाया उन्होंने चंगी गल करनी आ उन्हां नाल आस्ता आवाज नाल गल करनी आ उन्हां नाल धीमी लहजे नाल गल करनी आ। कई बार बाबा जी होंदा ना पुत्र प्यो नाल गल करे तो अब्बा आंदा वी पुत्र तैनू उची नहीं सी गल करनी चाहिए दुखी होंदा ना आंदा तैनू एडी उची नहीं सी मेरे नाल गल करनी चाहिए। अब्बा मैनू गुस्सा ही बड़ा आंदा पुत्र गुस्सा तो मैनू भी बड़ा आंदा सी गुस्सा तो मैनू भी बड़ा आंदा सी लेकिन मैं तुहानू गुस्से विच भी कदी नहीं सी मारिया। ऐसे भी बाप है ना बाबा सारी जिंदगी औलाद नूं हथ नहीं लांदे तो फिर जो पुत्र जवान हो जाते वो कहीं नहीं लाते कहते हैं हूँ मेरे कपड़े इन पूरे आ गए ने हूँ मेरी जुत्ती इनू आने लग पई है हूँ असा इनू कुछ करना हूँ असा इनू कुछ कहना नहीं। बाबा जुमले समाध फरमाया जाए बाप एक ऐसी हस्ती है जिहड़ी जमीना खरीदता तो पुत्रां वास्ते हवेलियां बनांदा तो पुत्रां वास्ते ट्रैक्टर बनांदा तो पुत्रां वास्ते मज्जां बनांदा तो पुत्रां वास्ते मकान बनांदा तो पुत्रां वास्ते प्लाट बनांदा तो पुत्रां वास्ते बैंक च अकाउंट खिलांदा तो पुत्रां वास्ते सब कुछ करता पुत्रां वास्ते और जिन्हें सारा कुछ तेरे वास्ते किया तू एक दिन उहदे वास्ते हाथ भी नहीं चुक सकता तू उहदे वास्ते खत्म ही नहीं दवा सकता तू कुरान भी नहीं पढ़ सकता। बाबा ये दे तर्जमा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोमिया कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है ते मियां साहब फरमांदे ने सुके रुखे हरे नहीं होंदे सुके रुखे हरे जाना जी मलक साहब बड़ी मेहरबानी अज तुहाडा वालिद गया है अल्लाह दी कसम दुख तुहानू होया है तकलीफ तुहानू होई है अज तुहाडे अब्बे ते यार भी आए होने ने अज रिश्तेदार भी आए होने ने अज तलक वाले भी आए होने ने अज सुल्तानी तुहाडी मस्जिद विच कह चला है ओए सुके रुखे हरे नहीं होंदे ते हरियां भी सुख जाना है मोए बंदे है मुड़ नहीं आंदे मिनो मलक सुहेल साहब मिनो मलक रहील साहब मलक हबीब साहब हुण पियो नूं मिलन कब्रस्तान जाना पैना है हुण अप्पे दी कबर ते जाना पैना है हुण मसीह ते किसे नहीं आके आखना या अल्लाह मेरे रहील दी खैर होए या अल्लाह मेरे हबीब दी खैर होए या अल्लाह मेरे सुहेल दी खैर होए। हाय लोग बाप मर जान मेले मुक जांदे ने हाय बाप मर जान वेड़े दा सुकून मुक जांदा है थोड़ा अब्बा मसीते आके रोंदा आना है ये सजदिया विच भी रोंदा आना है ये दुआवां करदा आना है या अल्लाह मेरे पुत्रां दी खैर करनी है या अल्लाह मेरे शहजादियां दी खैर करनी है थानू उन्हें पालिया इस वास्ते सी वे सहेल पुत्रा जब यो मर गया वे हबीब पुत्रा मैनू याद करिया जे जदों बाप दी याद आवे जदों बाप दा प्यार सुना मरा की वाला लियो पूरी दुनिया वीडियो वेख रही है सुल्तानी जुमले दे रहे आए जे कभी बाप दी याद आवे मलक सा जे कभी अबू दी याद आए ते मैनू मिलन कब्रस्तान आ जाया रे मेरी कबर ते खलो के कुरान पढ़िया रे मेरी कबर ते खलो के यासीन पढ़ जाया रे मुसलमान भाइयो मोए बंदे होए मुड़ नहीं आंदे
अज रोलो जिन्ना रोना जै थोड़ा बाप ही कबर विच वेख रहा है हजरा जुमले समाध कर रे खेड़ा मेरा पुत्र प्या रोंदा है खेड़ा मेरा पुत्र मैनू याद प्या करदा है खेड़ा मेरा पुत्र मेरी जुदाई विच अखा प्या वहांदा है खेड़ा पुत्र प्या आंदा है अब्बा दलावा एक वारी आ जा बाबा एक वारी सीने ला जा हजरा जुमले समाध फरमाया रे हे मोए बंदे हे मुड़ नहीं आंदे आय हाय हे मोए बंदे हे मुड़ नहीं आंदे असा जोंदियां भी मर जाना बाबा जी मदीने दी किचारी लगी हुई है मदीने दी शहर वसदा जाए मदीने दी हवा है मदीने दी फजा है हाय मरा की वाला लियो मदीना यो मदीना जाए जिथे अल्लाह दा सोना माही वसदा है मदीना यो मदीना मैक वाली थोड़ा खोल पका थी हजरा जुमले समाध कर आ रहे है मदीना यो मदीना है मदीना यो मदीना है जिथे हसनैन दा नाना वसदा है मदीना यो मदीना है जिथे जहरा दा बाबा वसदा है मदीना यो मदीना है जिथे 70,000 फरिश्ते सुबह आंदे ने 70,000 फरिश्ते शाम नु आंदे ने आके मेरे नबी नु सलाम आंदे ने बाबा जी मेरे नबी दा मिंबर लगा होया है सुनो पियो दी शान की आंदी है कदी पियो नु दुखी ना करया रे कदी बाप दा दिल ना दुखाया रे कदी बाप दे दिल नु जख्मी ना करया रे हजे बाप दुखी होया समझ जा तेरियां गड्डियां विकियां जानियां नी तेरियां इज्जतां मुक जानियां नी तेरी शोहरत मुक जानी आ कदी पियो नु दुखी ना कर जाया रे ओए मलक साहब जुमले जाया ना करया रे हजरा जुमले समाध कर जाया रे हे बाप एडी वड्डी चीज है हे बाप एडी वड्डी जात है हे बेमहा रोवे फिर भी छुट्टी नहीं करदा हे बेमहा रोवे कम तू छुट्टी नहीं करदा आंदा मेरे पुत्रां नु मेरी लोड़ है मेरे पुत्रां नु मेरे पैसियां दी लोड़ है आओ मलक हसीम साहब मलक हबीब साहब मलक सुहेल साहब मेरे नबी दा मिंबर लगा होया है एक सहाबी दौड़दा दौड़दा आया है उन्हे नबी दे सामने हथ जोड़े ने हैरान आलिया सुनियो पियो की आंदा है सुनियो बाप दी शान की आंदी जे सुनियो बाप दा मकाम की आंदा रे अज पियो नु छड़ के किथे टुर जावेगा अज पियो नु छड़ के कोठियां बना लवेगा अज पियो नु छड़ के मुरब्बे बना लवेगा अल्लाह दी कसम पियो ने तेरे वेड़े नहीं आना हे बाप ने मुड़ तेरिया खुशियां नहीं वेखनिया बाप ने मुड़ के तेन दुआ नहीं देनी बाबा जी सहाबी आया रे पूरी दुनिया वाकिया सुन के भी रोंदी है बाबा जी सहाबी आया है उन्हें नबी दे सामने हाथ जोड़े ने मलक बरादरान थोड़े वाल की बख्शिश हो जानी है ये दुनिया रो पई है इन्हां दियां अखां विच अथरू जारी हो गए ने मुसलमान भाइयों जुमले जाया ना कर आ रे आंदा कमली वाले आ सोनिया मैं कि शिकायत लैके आया वा हजूर मैं मुकदमा लैके आया वा मेरे नबी ने फरमाया इको डले कंट्रोल कर हजरात जुमले सुन आ रे मेरे नबी ने फरमाया कि दी शिकायत लैके आया वे आंदा हजूर अब्बे दी शिकायत लैके आया वा हजूर बाबे दी शिकायत लैके आया वा बाबा जी जुमले समझ आ जाए बाबा जी तुहाडियां अखां दे अथरू आ जाने ने मेरे नबी ने फरमाया हयाल कर हे पियो दियां शिकायतां प्याला ना आए हे अब्बे दियां शिकायतां प्याला ना आए अज छोटे मराकी आल विच भरिया बह जाए एक भरिया पुत्तर दी होवे ते एक बाबे दी होवे ते चौधरी आ के आखे बाबा कसूर तेरा है बयोवा क्यों सूर तेरा है अल्लाह दी कसम पियो जोंदे ही मुक जांदे ने हे पियोवां दे अथरू आ जांदे ने हे पियोवां दे दिल मुक जांदे ने ऐ अल्लाह दी कसम परिया विच उठना औखा हो जांदा रे ऐ पियो दा बेड़े जाना औखा हो जांदा रे मेरे नबी ने फरमाया लोगो जुमले सुन जाया रे मेरे नबी ने फरमाया कि दी शिकायत प्याला ना आवे ओए छोटे मराकी आला लियो कदी पियो नु अगे ना बोले आ रे कदी पियो तू अगे वध के काम ना करे आ रे जेड़ा काम करना ही अब्बे नु लैके करी जेड़ा मशवरा करना ही अब्बे नु लैके करी हे बाप मर जाए लोकी यतीम आंदे ने मलक साहब मैं 70 साल दे बाबे रोंदे वेखे ने
ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਆ ਲਾਇਓ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਕਰਿਆ ਰੇ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਬਰਾਤ ਰਾਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਆ ਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਤਵੱਜੋ, ਆਂਦਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮ ਲੈ ਆ ਜੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੰਡ ਪਾਲਿਆ ਜੇ, ਹੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੋ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਹੇ ਸਜਣਾ, ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅਥਰੋ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੇ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਆਤਾ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡੇ ਖਾਲੀ, ਹੇ ਮਾਵਾਂ ਬਹਾਜ ਹੇ ਮਰਾਖੀ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਣਾ ਲਿਓ, ਮਾਵਾਂ ਬਹਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੇ ਮਾਵਾਂ ਬਹਾਜ ਮਾਵਾਂ ਬਹਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਪਿਆਇਆ ਨਾਵੇਂ? ਆਂਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਰੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਜਮਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਬਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਨਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਨਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਨਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸੌਦੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਆ ਲਿਓ, ਓਏ ਯੂਨਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਆ ਲਿਓ, ਓਏ ਯੂਰਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਸੌਦੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਵੀ ਢੋਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਡੋ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 1-2-5 ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਹੱਬੂ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਰੇ, ਹੇ ਕਾਦੀ ਚਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਰੁੱਲ ਜਾਣ,
खादियां चदरावां होंदियां ने जिन्हां दे बाप दी जेब खाली हो जाए। यारां नूं 10,000 दी रोटी खवाण आलियो, यारां नूं मरी लै के पासा जलील करन आलियो। कदी प्यो नूं पुछिया अब्बा जी खर्चा है के कोई नहीं, कदी बाप दा पता लिया अब्बू जी तुसी बीमार ते नहीं ना। अब्बू जी मैं सियालकोट लै जाना वा, अब्बू जी तुहाडा इलाज करवा लैना वा। अज बाप मरा खियाल दियां गलियां विच रुल गए होने ने। अज अल्लाह दी कसम है पुत्रां कोल 5 मिनट टाइम कोई नहीं। जिहड़ा प्यो कोल बह जाए आखे अब्बू जी मैनू दसो किहो जी गुजरदी पई है। हज़रा जुमले समात कर जाया आ जाए, अल्लाह दी कसम अखां दे अथरू आ जांदे ने। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इहदे अब्बे नूं बुला के लैके आओ। हज़रा जुमले समात कर आ जाए, सहाबी रोंदा रोंदा टुरिया आए। रब्बे काबा दी कसम, बाबा जुमले समाध करे आजे। किबला बाबा अल्लाह तुहानू सलामत रखे, जिन्हां दे अथरू आए प्यो ने की नहीं कीता साडे वास्ते। बाबा मेरा भी बाप है, तुहाडा भी बाप है, किबला का भी बाप है। मैनू एक पुत्र उठ के दसे अब्बे साडे वास्ते मेहनत नहीं की। प्यो शराबी भी होवे तुहानू फिक्र होंदी है कि मैं पुत्रां वास्ते कुछ करना है, फिक्र होंदी है। बाबा बीमार भी होवे ना ध्यान दा पुत्रो जिन्ना तक मैं मेरी जिंदगी सी मैं कीता है, हुण मैनू दोष ना ते। अज बाबा उस सहाबी दौड़ के गया, मेरे नबी ने फरमाया कचहरी किथे लगी सी? मदीना शरीफ। किथे लगी सी बोलियो जी? कचहरी किथे लगी है? मुकदमा कौन लैके आया? पुत्र। सिंपल करो, मुकदमा कौन लैके आया? पुत्र। ते किदी कचहरी विच लैके आया? नबी पाक दी। बाबा जी जुमले जाया ना करियो, पता नहीं जे मौका लभना कि नहीं लभना। अज मौका ही जे अब्बा नाराज जफा मार लें जाके, आख अबू जी गलतियाँ मेरिया ने थोड़ी नहीं गलती, अबू जी मैं पुठे रस्ते से पै गया सा। अज एक मौलवी आया सी सियालकोट, दस गया अज फिर वह तो बगैर नवेड़े नहीं जो सोने लगते, फिर वह तो बगैर हवेली नहीं जो सोहनी लगती। तेरा अब्बा सी 10-10 बंदे तेरे अब्बे के डेरे ते आते सन, वो चाह वास्ते नहीं सुन आते, तेरे अब्बे की मुहब्बत वास्ते आते सन जी। किबला डेरे प्योवान वसते ने, मैं किन्ने डेरे वेखे ने उजड़ गए ने बाबा जी, वेख गए ने मझां वेख गई, हर चीज़ मुक गई। आंदे ने साडे कोल नहीं सांभे जांदे, मैं कहा बाबा ही सी फिर जिहड़ा सांभ गया। बाबे ओ तवज्जो फरमाओ, बड़े मौलवी खतीब सुने अज इस निकम्मे की गल सुन जाया जे। मेरे नबी ने फरमाया मैं फैसला तेरे हक च नहीं देना, मते तू आखे भी मेरे हक च फैसला दे छड़ो। मुकदमा यह दर्ज होया मराकी आला लियो कि हजूर पैसे मेरे ने तो खांदा कौन है? अब्बा मेरा, मेरा बाप, मेरा वालिद खा छड़दा, तो तुसी फैसला करो तो मेरे अब्बे नूं समझाओ भी मेरे पैसे ना लाया करे। ऐ सुनियो जी, मेरे नबी ने फैसला नहीं किया, फरमाया इहदे अब्बे नूं बुलाओ। बाबा जी मदीने का सोहना शहर पिया वसदा सी, सहाबी गया दरवाज़ा खड़काया, आवाज़ आई कौन है? बाबा जी बाहर आयो। वह बाबा बाहर आया, उन्हें कहा पुत्र खैर है? उन्हें कहा खैर कोई नहीं। जो परिया बैठी होवे तो पूरे दो पिंडां दी परिया विच अब्बे नूं बाबा जी बंदा जुत्तियां मरवांदा होवे वह किड्डा क लायक पुत्र होवेगा? वह लाणती नहीं पुत्र जिहड़ा प्यो नूं सामने बिठा के बेइज्जत पिया करांदा? परिया बैठी नबी दी कचहरी विच बाबा जुमले सुनिया जे, उन्हें आख्या अज तेरे पुत्र ने तैनू जलील किया है। वह सहाबी आखन लगा, अजे कुछ लगता नहीं सी बाबे का, पर मुसलमान तो है सी ना। बाबा अंदर दर्द होवे तो लोग दूसरों के प्योवों नूं वेख के भी रो पैंदे ने कि यार आंदे नहीं पिंड विच यार इंज नहीं सी होना चाहिए इस बाबे नाल। बाबा चंगा सी, इन्हें साडियां अखां दे सामने 4-5-6 पुत्र जवान किए ने, बड़ी मुश्किल किए ने। लोग कारी साहब मस्जिद इमाम रो पैंदे ने कि नहीं इंज नहीं सी दुख पहुँचने चाहिए इनू यार, इनू तो तलियां के थले पुत्रां नूं हाथ रखने चाहिए सन। की लै जाने प्यो टुर गया, बाद च पछताएगा, आखेगा हुण अब्बा राजी होवे कि ना होवे, किवें होवे राजी? जिंदा सी ते राजी करना सी, जिंदा सी ते उन्हूं खुश रखना सी। बाबा जुमले समाध फरमाया, उन्हें आख्या बाबा तेरे पुत्र ने अज तेरी शिकायत लाई है नबी पाक दी पाक बारगाह दे अंदर, त्यांदा मेरा अब्बा मेरे पैसे खा छड़दा है, मेरा अब्बा मलिक साहब जुमले दिल ते लिखन वाले ने, मेरा प्यो मेरी मेहनत खांदा, मेरे पैसे खांदा, मेरा माल खांदा। बाबा जी इन्नी गल सुनी ना तो प्यो सी ते पुत्र भी कल्ला कल्ला इक्को ही पुत्र सहस किवें दा, उन्हें जो गल सुनी ना तो बाबा आंदा इंज जिवें पैरां थलों जमीन नहीं निकल गई। उस बाबे ने आसमान वल वेखिया, मराकी वाला लियो आसमान वल वेख के ना आंदा रब्बा दुआवां मंग मंग लिया सी ते इस वास्ते ते नहीं सी लिया कि अज प्यो नूं जलील कर छड्डे,
इस वास्ते तो नहीं सी लिया कि अज बाप नूं जलील कर छड़े, अज प्यो दियां शिकायतां ला रहे हैं। बाबा जुमले समाद फरमाया, जे रब्बे काबा की कसम है, जे तेरे दिल की दुनिया में हल चलना ना मची तो गल करेंगे सुल्तानी गल कड़ी कर गया। बाबा जी बाप ने आसमान वाली चेहरा ही उठाया है, आसमान वाली चेहरा ही उठा के आंदा सिख पुत्रां दी डाडी होंदी, सुनो है सिख पुत्रां दी नाले रोई जांदा है, नाले अल्लाह वल वेखी जांदा है, नाले उची उची आखी जांदा है सिख पुत्रां दी डाडी होंदी। ते कह के नी लोग सियाने ए मेवा ते है नबी ने मंगिया, सुनो सुनो मलक हबीब मलक रहील मलक सहील दे वाले दे खतम विच बैर आले हो, ए मेवा ते है नबी ने मंगिया थे करी करी उजैर है मलक साहब जुमले बड़े वटेण है, ए मेवा थे नबी हियां ने मंगिया थे करी करी उजैर बहाने। बाबा जी बाबा रोंदा दुनिया जबरील नू अल्लाह फरमांदा जबरीला जी रब्बे जलील हुकम होवे, फरमाया जबरील वे हे मेरे यार दियां गलियां विच, तवज्जो जी मेरे वल हे मेरे यार दियां गलियां विच कौन रोया है, हे मोहम्मद दियां गलियां विच कौन रोया है। जबरील ने अर्ज कीती रब्बा एक दुखी पा प्या रोंदा है, रब्बा एक पियो प्या रोंदा है, रब्बा पुत्र ने बड़ा दुखी कीता है, रब्बा ए दे पुत्र ने इनू दुख दिता है, रब्बा ए दी औलाद ने इनू दुख दिता है। मलक साहब अल्लाह दी कसम दिल फट जांदे ने, मेरे अल्लाह ने फरमाया जबरील आ जा जी मौला हुक्म होवे, फरमाया पापे दे जान तो पहला पहला इत्थे सुनी जुमले, फरमाया पापे दे नबी कोल जान तो पहला पहला ए बाबे दा मस्जिद नबवी च पहुंचण तो पहला पहला जबरील अरशा तो थले चला जा, मेरे मोहम्मद दी कचहरी चला जा, मेरे नबी नू कह दे सोना मोहम्मद एदा बाप रोंदा पिया आउंदा जे। हाजी बाबा जी पुत्र पियोवां नू गालियां देंदे ने, अज पुत्र पियोवां नू दाबे मार देने, अज पुत्र बीवी दे सामने खलार के पियो नू जलील कर देने। मैनू दसो पियो दे कलेजे ते की बीतनी आउणी है, उस अप्पे दे दिल टुटे आउणे ने के नहीं आउणे, उहदे अरमान मुके आउणे ने के नहीं आउणे। आंदा आउणा पुत्रा मैनू गाली ना देवी, पुत्रा मैनू चिड़क ना मारी, जे आना मैं तेरा वेड़ा छड़ जाना वा, जे आना मैं तेरे घरों निकल जाना वा, जे पियो चंगा नहीं लगता मैनू गाली ना दवी, हब्बे नू चिड़क ना मारी, हब्बे नू जलील ना करी, मैं बड़ा दुखी हूँ है, मैं कई बड़े दुख वेखे ने। हजरा जुमले सुन जाया ने, बाबा जी जबरील नबी दी कचहरी विच आ गया, तवज्जो जी जबरील नबी दी कचहरी विच आ गया, उन्हें आके हाथ जोड़े ने, हर्ज कीती कमली वाले आ सोनिया ए बाबा रोंदा पिया आउंदा जे, एदा पियो दुखी पिया आउंदा रे, एदा बाप परेशान पिया आउंदा रे, सोनिया जू ही बाबा अंदर आवे ओनू सीने भी लाणा ए इत्थे सुनी ते सोना मोहम्मद जू ही एदा अप्पा अंदर आवे, जू ही एदा बाप भरिया विच आवे पंचायत विच आवे, ते मेरा सोना मोहम्मद उठ के खड़िया हो जाया जे, बाबे नू जफा मार ले आ जे, हे बड़ा ही दुखी पियो वे
बड़ा ही परेशान पियो वे हने दुख किसे नो नहीं सुनाए हने पुत्रां दी शिकायत किसे नो नहीं लाई है बाप दिलां दे गम दिलां विच ही लै जांदे ने है दिलां दे जख्म कबर विच ही लै जांदे ने बाबा जी ज्यों ही बाबा अंदर आया है किबला कारी साहब अल्लाह तुहाडे अथरू कबूल करे अंदर जख्म होवे ते रिसदा वे अंदर दर्द होवे ते अखां दे थरू बन्ने आउंदा है बाबा जी ज्यों ही सामने दरवाजे ते पियो पहुंची आए ओदी नजर नबी दे चेहरे ते पै गई है मेरे नबी दी चेहरे नजर बाबे दी चिट्टी दाढ़ी ते पै गई है ओए मरा की वाल विच बैण आ लिया मेरे नबी ने बाबे नू वेख्या है बाबे ने नबी नू वेख्या है मलक साहब जिदे वास्ते 1.25 लाख नबी खड़े होए ने ओ मोहम्मद बाबे वास्ते खड़ा होया ओ मोहम्मद बाबे वास्ते उठ के खड़ा हो गया है जिदियां रावां विच जबरील खड़ा होंदा रहा है जिदियां गलियां विच मिकाईल आंदा रहा है जिदियां गलियां विच इजराइल नौकर बन के खलोंदा रहा है मेरे नबी मिंबर तू खड़े हो गए ने जदों नबी खड़े होए सहाबा खड़े हो गए ने जदों नबी खड़े होए उम्मती खड़े हो गए ने मेरे नबी ने फरमाया बाबा आ जा बाबा आ जा बाबा आ जा सुनो मलक बरादरान तेरिया अखां दा वजू नहीं होया ते गल करे आ रे मेरे नबी ने बाबे वास्ते हाथ खोल ले फरमाया बाबा मोहम्मद सीने लग जा मलक साहब बाबा दौड़ के नबी दे सीने लग गया नाले रोई जांदा आज मेरे मुस्तफा फरमांदे ने बाबा गल तो सुना आंदा सोनिया गल रह गई कोई नहीं हजूर केड़ी गल सुनावा गल्लां मुख गईयां ने हजूर गल्लां खत्म हो गईयां ने मेरे नबी ने फरमाया बाबा मैं सुनिया तू मुंडे बारे शेर लिख के लै के आया है बाबा जी नाले बाबा प्यार रोंदा है मेरे नबी भी रोन लग पे ने बाबे ने नबी दे अथरू साफ कीते ने हर्ज कीती सोनिया दुखी मैं वा रोना तो मैं इत्थे सुन दुखी मैं वा परेशान मैं वा सोनिया रोना तो मैं मेरे नबी ने फरमाया बाबा अज तेरा दुख वेख मैनू अपना अबू याद आ गया है मैनू बाप अब्दुल्ला दी याद आई है अज काश मुहम्मद दा बाप जिंदा होंदा अज मैं मदीने वालियां नू दसदा पियो नू रखना किवें में है बाप दी इज्जत किवें करनी है इत्थे मियां मुहम्मद बख्श रोमी कश्मीर तड़पे आए ते मियां साहब आंदे ने दुखिए दी है गल दुखी अंदरू सुननी अंदरू तकरीर अज है दुखी है दी गल दुखी या जाने ते सुखी है ना के आए हाय हाय सुखी है ना के खबरा है बाप जी नहांदे हबीब साहब सहेल सा बाप जिना दे है मौत ने मारे है बाप जिना दे है रोन आले ओ बाप जिना दे है मौत ने मारे ते रोंदनी तके तके खबरां तुसी खुश नसीबो तुसी अप्पे दी मैयत नो कंधा दी तले आउणा है तुसी बाप दी मंजी कंधियां ते चुक के लै गए आउणे हो बाबा जी कोई पुत्तर इंज दे आउंदे ने जिहड़े सौदिया रह के रोंदे आउंदे ने आंदे ने सुल्तानी साहब बड़े बदनसीब कारी साहब साढ़े तो वड्डा बदनसीब कोई नहीं असां अपनी बाप दी मैयत नो कंधा नहीं दे सके असीं बाप दे जनाजे विच शामिल नहीं हो सके इन्हां कमाइयां नू की करना है इन्हां कमाइयां नू की करना है इन्हां दौलतां नू की करना है इन्हां कमाइयां ते हवेलियां नू की करना है अनकारी साहब पिंड विच डबल स्टोरी कोठी बना लई जाओ पर दस मेरे और पोट पियो ने लैन कोई नहीं आना हुण मैनू फोन विच किसे नहीं आखना वे सहेल ते हबीब पुत्रो
हे घबरायो ना तुहाडे पुत्रां कोल तुहाडा अप्पा मौजूद है थोड़े वेड़े तुहाडा बाप मौजूद है वे शहजादियो पैसों की फिक्र ना कर यार अल्लाह तेरे अथरू कबूल कर ले अरे शहजादियो माल की फिक्र ना कर यार वे पुत्रो दिहाड़ी लगती है ला लिया पुत्रो गर्मी बड़ी है बीमार ना हो जाया है दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए ना की खबर जिन्हें कदी प्यो नाल सलाम ना ले जिन्हें कदी प्यो दे कपड़े ना ले आंदे होण जिन्हें कदी अब्बे दा चेहरा ना वेखिया होवे उहनू की पता लगे अब्बा टुर गया है उहनू की लगे साडा किड्डा नुकसान हो गया है उहनू की पता लगे साडा सिर वेला हो गया है साडी कंड खाली हो गई जे है मां मरे ते है मापे मुकदे सुन रोण वाले है मां मरे ते है मापे मुकदे हाथा वीर मर वेड़ा वेला इतने मलक साहब मियां साहब का दर्द सुनिया रे मियां साहब आंदे ने मां मरे ते बड़े ऐसे होने ने जिन्हां दे वेड़े मां कोई नहीं जिन्हां तस्वीरां वेख के रोंदे होने ने जड़े अम्मी दे कपड़े चुम के रोंदे होने ने आंदे होने ने माए एक वारी आ जा अम्मा सीने ला जा साडियां ईदां दियां वी खुशियां मुक गईयां ने साडियां शबरातां दियां खुशियां वी मुक गईयां ने हाय मां मरे ते मापे मुख दे हाथा वीर मर वेड़ा वेला जी बाबा है मां मरे ते है मापे है मुख दे है मां मरे ते ओए मलको मां मरे ते है मापे मुख दे हाथा वीर मर वेड़ा वेला है बाप मरण ते मलक साहब इनू समझियो की सुल्तानी प्यांदा है बाप मरण ते मोहम्मद बख्शा उजड़ जांदा जे मेला अज सके भरा भरावां दे दुश्मन बन गए आंदे ने अप्पा टुर गया साडे वेड़े ना आवी असा जमीना वंड लैणियां ने असा हवेलियां वंड लैणियां ने मलक साहब जिन्ना तक अप्पा जिंदा रहा है उन्हें सारियां नू जमा करके रखिया है ओ वड्डे नू वखरा समझांदा रहा है ओ छोटियां नू वखरा समझांदा रहा है आंदा वीरो है कदी शरीकां दे सामने प्यो दी पगड़ी ना रोलिया रे है मेरे शरीकां दे सामने मेरी कंड ना लाया रे वे वड्डिया छोटियां नाल प्यार कर जाना है वे छोटियो वड्डा तोड़ा भरा है कदी उची ना बोलिया रे बाबा जी जुमले समाध कर जाया रे ज्यों ही बाप दी मैयत उठदी है वीरां दे दरवाजे बंद हो जांदे ने ओए पैणा दा आउणा बंद हो जांदा है परजाइयां आंदियां ने साडे वेड़े ना आई परजाइयां आंदियां ने तेरा अप्पा मर गया हुण इत्थे ना वड़ी हुण साडे वेड़े ना आवी ते पैणा रो रो के अल्लाह दी कसम है तुहाडियां पैणा पियो दी मैयत नूं दरवाजे तक छड के आईयां होणियां ते रो रो के अज आंदियां होणियां ने बाबला बाबला आंदियां ने यादां सानू तेरियां जिहड़े पुत्र नूं याद आउंदी ओह बोले वे बाबला आंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला हे वेड़े उजड़ गए नी बाबला वीर दुश्मन बन गए नी वे बाबला आंदियां ने यादां मैनू तेरिया अगे थी के रो के मलक साहब केड़ी गल कर दी है मैं गल मुकान लगा टाइम नेड़े लग गया है बेटी रो के की आंदी है अल्लाह सोने करम कमावी हाय 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 अल्लाह सोने करम कमावी बा मेरे नो जन्नत पजावी अल्लाह सोने करम तवज्जो जी तवज्जो अल्लाह सोने करम कमावी बा मेरे नो जन्नत पजावी बाबला आंदियां ने यादा मैनू तेरियां वे बाबला
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਕਵੇੜਾ ਜੇ ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 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 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਲੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲਈ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲਈ ਜੇ ਸਮਝ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੂੰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਰਾਬ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣਵਾ ਲੈ ਜੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਓ ਲਾਣਤੀ ਆ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ 5,000 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਅਤੇ 20-20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ 5,000 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਮਲੇ ਸਮਾਧ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰੋਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸੱਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆਈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕਤਸਰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੇਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠ ਐ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੂ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪੈ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਅੰਤਾ ਵ ਮਾਲੁਕਾ ਲੀ ਅਬੀਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਆਏ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ
जेड़ा आंदा अब्बे दा वो बोले तू ही ते तेरा सारा माल कदी 2 लख भी बुझाड़ छड़े हैं कोई गल नहीं तू किन्ने बुझाड़े ने अब्बे दे उन्हें कदी तेनू पूछिया सी तू ही ते अब्बा 500 देन लगता से आंदा मजार लैना है आंदा नहीं सी बाबा जी असी भी बेच शामिल हाँ कदी अपना बचपन भी तो वेखो भी पालिया तेनू किवें में मैं तो कहना पुत्र सारी जिंदगी प्यो दे पैर चुमदा रवे ना सारी जिंदगी तो अब्बे दा हक अदा नहीं जे कर सकदा असी मां की शान बड़ी सुनी अम्मा दियां पैरां थले जन्नत ते अब्बे नू कितें छड़ना जे अब्बा कोई नहीं मां की शान सुन सुन के लोगों ने प्योवां नू रखे ही डेरे ते वे अब्बा तू डेरियों घर नहीं आना क्योंकि अम्मा की शान असां सुनी अब्बे की तो सानू पता ही नहीं वे अब्बे की भी कोई जगह है वे घर विच अब्बे का भी कोई शान है वे अल्लाह मैनू तौफीक दी मैं प्यो की शान पढ़ी मैं लोगों ने दस्या ऐ जे बाप तो लोग मन्ने ने कि वाकई बाप बाप है बाबा जिहड़ी उन्हें फरमायश की मैं 5 तो 7 मिनट के अंदर वो मुकम्मल कर लगा तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मुख्तसर करके बिल्कुल टेंशन नहीं लैनी मेरा जो टाइम से मैं उत्थे छड़न लगा उन्होंने हुक्म ना लगू गल कर लगा इन्ना आखियो कि मौलवी साहब स्पीकर नहीं पे छड़ दे बाबा जुमले समाध फरमाया जे तफसीर इब्ने कसीर अलामा इब्ने कसीर ने बनी इसराइल के एक बाप का जिक्र किया वह यूट्यूब पर मौजूद है सारी दुनिया वेख रही है ये भी तू मैं तुम्हें लाइव सुना रहा थोड़े सामने लोग यूरोप तक अमेरिका तक यूट्यूब तो सुनते पे बाबा जुमले सुनियो वो 4 पुत्र सुन उस प्यो दे किन्ने सारे बोलियो अज तुहाडे अब्बे की बख्शिश ना होई तो मेरा गिरबान फड़ियो क्यों मियाँ साहब ने आख्या सी हिजर ते राजे पानी मंगे एवी नहीं लोग रोंदे बाबा जी एक अथरू भी बड़ा कीमती है इस मसीत विच बह के रोण वाले का एक आंसू भी बड़ा 4 पुत्र सन प्यो हो गया वडेरा मंजी ते पै गया वो जिहड़ा छोटा पुत्र सी ना समझ आ रही है ना बाबा जी गल दी जिहड़ा छोटा पुत्र सी ना उन्हें भरावां नूं बुलाया वड्डे जिहड़े 3 सन ना वो अब्बे का कोई एडा ख्याल नहीं सन रखते छोटा बड़ा रखता सी उन्हें भरावां नूं बुलाया उन्हें कहा वी भरावो गल है वे प्यो सारिआं दा उन्हें कहा सारिआं दा उन्हें कहा सारिआं नूं इक्को जिहा पढ़ाया सू खवाया सू उन्हें कहा इक्को जिहा खवाया उन्हें कहा फिर मैं एक फैसला किया छोटे भरा ने छोटे ने पुत्र किन्ने सन यह गल ज़हन च रखनी है याद रखनी जिहड़ा छोटा सी ना उन्हें आख्या फैसला मैं किया भाई अब्बा साड़ा हो गया वडेरा तुहानू पता बाबा जी जो बाबा वडेरा हो जाए ना फिर दवाइया भी ज़्यादा लगदियां ने फिर इलाज भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता ना हड्डियाँ कमज़ोर खांसी लग गई जुकाम लग गया इत्थे फिर पता लगता कि खिदमत करता है टुरदा हो तो कोई गल नहीं वो तो किसी के डेरे पर भी टुर जाएगा किसी के घर भी टुर जाएगा जो मंजी तो पवे फिर खिदमत का पता लगता है वह जो छोटा सी ना उन्हें भरावान बुला के उन्हें कहा यार मैं फैसला किया भाई अब्बा तो सारे का साझा है तो जेड़ा पुत्र अब्बे की खिदमत करेगा ना अब्बे की सेवा करेगा उन्हों अब्बे की जायदाद विचू 1 रुपया भी नहीं लभना परेशान हो गए उन्होंने एन जो भी हो गए सुन सुन के फैसला जो औखा बाबा जी उन्हें कहा नाले अब्बे नू सामभना जाए तो नाले अब्बे की विरासत विचू लभना भी उन्हें आख्या पुत्र तो खिदमत ही ता करते हैं भी अब्बे की मेहनत दुकान है तो फिर एवं आते अब्बा जी चाह साढ़े वाल पीओ ना अब्बा जी चाह साढ़े वाल पीओ खाना साढ़े वाल खाओ कि भला जुमले सुनिया जे वो जरा छोटा सी उन्होंने फैसला किया वो वड्डे आख्या भी वह हाँ तो तेन सियाना समझा सी तू तो बेवकूफ है उन्हें क्या बेवकूफ वाली कि गल उन्हें कहना नाले अब्बे नू सांभो तो नाले लवो भी कुछ ना नाले अब्बे का पिशाब धोवो कपड़े धोवो सारा कुछ करो तो नाले लइए भी कुछ ना उन्हें कहा मैं तो फैसला किया जे जे थानू कबूल है तो ठीक है जे नहीं तो मैं तो है ना आए हाए 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 इतने मुल ना पे अज गल का तो गल करो बाबा जुमले सुनी अज गल लै जाए कोई खत्म तू बाबा जो इन्नी गल की उन्हें कहा सू 2 मिनट तो उन्हें कहा मशवरा कर लो मशवरा किया उन्हें क्या अब्बा तो उंजी नेड़े लगे जाने वाला है पता नहीं महीना रहना सू 2 महीने रहना सू इनू आने भी तू इंज कर अब्बा तू ही सामभना तू जो एडा चंगा भरा मेहने मार दे जे अब्बे तू जो एडा चंगा है तो तू ही सामभना तो सानू इधर कर अब्बे की विरासत वो आया बाबे जी उन्हें कहा मशवरा कर लिया उन्हें कहा कर लिया मशवरा की किया उन्हें कहा यार मशवरा सह किया भाई शुरू तो अब्बा तेरे नाल रहा हो सकता साढ़े अब्बे का दिल लगे ना लगे जो ना रखना हो फिर बड़े बहाने होंगे ने घरों भी डर होंगे ना भी जो लै गया तो बीवी ने आखना किनू लै गया आ गया उस बीवी तो लानत नहीं जरा सोहरे को बहर कर छड़े तो उस पुत्र की करना है जरा बीवी खामोश भी ना करा सके अब्बे के सामने मां के सामने खबरदार है तू कौन होनी है मेरे 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 अब्बे का मामला तू अपने काम ना काम रख वह पुत्र होंगे ने मर्द होंगे ने जेड़े अब्बे की इज्जत बना घर में मां की इज्जत बना चिबला जुमले सुनया जी उन्हें कहा अब्बा तू रख अब्बे का दिल तेरे लगे अब्बे की जमीन सानू दे प्यो रो पिया उन्हें कहा पुत्र तू अगे ही माड़ा है तो चलो फिर भी खाते पीते ने ते तेरे ते बोझ पै जाएगा उन्हें कहा अब्बा कोई गल नहीं अब्बे ने दी जमीन उन्हें अब्बे ने चुकया घर लैके आ गया मलिक साहब गल बड़ी तवज्जो ने सुनने वाली सारी जिंदगी
जे गल तुहाडे सीने विच तड़पदी ना रही तो गल करी। जिहड़ा मुंडा ये गल सुन गया मेरी कदी अब्बे नूं छड्डेगा नहीं। आ मैं दावा पै करदा जी मस्जिद में बह के नबी पाक का सदका पै करदा जिहड़ा गल सुन गया कदी बुढ़ी दे आखे लग के प्यो नूं छड्ड के नहीं जाएगा। यह मेरी गरंटी जे सुनो बाबा जी। उन्हें अब्बे नूं चुकिया घर लैके आ गया। बीवी नेक सी ना, बीवी नेक सी, नेक मां दी धी सी, नस्ली सी ना। उन्हें बीवी नूं बुलाया, उन्हें कहा दरा। उन्हें कहा हाँ सिर दे साईं। तां मैं लैके आया प्यो। अगे रहण दी होर गल सी, हुण रहण दी होर गल है। उन्हें आख्या हुण रहण दी कीड़ी गल है। बाबा जुमले समात फरमाया जे हुण रहण दी कीड़ी, अगे भी तो बाबा साढ़े कोल रहिंदा है ना, हुण कीड़ी गल है। तो बाबा जी उहदे अथरू आ गए, रो के अपनी बीवी दे सामने हथ बन ले। आख लगा मेरी घर दी मालकणे, मेरा पियो बड़ा दुखी आ, अज मेरे वीर मेरे अब्बे नूं छड्ड गए ने, अज पुत्र पियो नूं छड्ड के नस गए, अज जमीना लैके टर गए, अज पैसे लैके टर गए, अज माल लैके टुर गए ने, मेरा पियो बड़ा दुखी आ, मेरे बाप दे सामने कदी ना बोली, कदी मेरे बाप नूं उफनाया थी, कदी मेरे बाप नूं छिड़क ना मारी, कदी मेरे बाप नूं जलील ना करी। जे समझ ए रो पिया मेरी दुनिया उजड़ी जानी, जे समझ पियो मेरे वेड़े दुखी हो गया, फिर मैनू खिदमतां दा फायदा आना कोई नहीं। बाबा जी बीवी खावन दे पैरां विच डिग पई है, रो के आंदी है सिर ते असाइया, हुण रोवी ना जे बाप तेरा फिर बाप मेरा है। सुन जे पियो तेरा है फिर पियो मेरा है, जे इज्जत तेरी है फिर इज्जत मेरी है, जे गल इज्जत ते आ गई है फिर पियो नूं इंज दा सामांगी। ओए अपने पियो तू वध खिदमत करांगी, सारा पिंड गवाही देगा, इन्हें नूं बन के नहीं इन्हें धी बन के सोरे नूं सांभिया हो जी। बाबा जुमले सुनिया ने, जे अद्धी रात नूं बाप नूं लोड़ पई है, उन्हें धी नूं नहीं उन्हें पुत्र नूं आवाज मारी है, किते गुस्से नहीं हो रहे। बाबा जी हजे पुत्र दी अख नहीं सी खुलदी, की जुतियां ला के दौड़ पैंदी सी, अपने सोरे दी मंजी दे कोल खड़ी हो जांदी सी, आंदी सी बाबा जी हुक्म करिया जे, बाबा जी आर्डर करिया जे, बाबा पानी लै गया, बाबा खाना लै गया वा। अपने दुपट्टे नाल सोरे दियां जुतियां साफ करदी रही है, बाबा जी कपड़े धोंदी रही है, पेशाब वाले कपड़े धोंदी रही है, कदी उन्हें नक नहीं चाड़िया, कदी नफरत नहीं कीती। उन्हें आखिया बाबिया इज्जत मेरे खामन दी आ गई है, अज शान मेरे बंदे दी आ गई है, बाबा जी बाप दा आखरी वेला आ गया है। बाप चार पाई ते तड़फ रहा है, उन्हें पुत्र नूं बुला लिया है, उन्हें बेटी नूं बुला लिया है, उन्हें आखिया पुत्रा मैं तेरा वेड़ा छड़ी चला वा, ए मेरे गरीबा ऐ अपनी हसीयत तो वध मेरिया खिदमतां कीतियां नी, ऐ तेरी बीवी ने ती नालों वध के मेरी सेवा कीती आ, नीतीए तेरा सोहरा तेरे ते राजी आ, वे बेटा तेरा अप्पा तेरे ते राजी आ। मलक साहब गल मुकान लगा, जुमले सुन जाया रे, जदों इनी गल कीती है बाबा जी उहदी बीवी ने अपने सोहरे दे पैर फड़ ले, उन्हें आख्या बाबा जे कोई कमी रह गई माफ कर जा यार, अब्बा जी जे खिदमत विच कोई कमी रही ते माफ कर यार, अबू जी जे कदी तुसां आवाज मारी होवे मैं ना उठी आवां, अबू जी थक जानी हो कम कर करके अख लग गई सी, जे कदी अख ना खुली होई ते खुदा दा ना जे माफ कर यार। बाबा जी पियो भी प्यार आंदा है, इत्थे गरीब पुत्र भी प्यार आंदा है, इत्थे नौ भी पी रोंदी है। हजरात जुमले समाद कर जाया रे, मलक साहब अल्लाह दी कसम जुमले रुला देंदे ने, हे जुमले दरबहा देंदे ने, जांदी वारी पियो ने हाथ चुक लेने, ऐ हुण सुनियो पियो दी दुआ, जांदी वारी अब्बे ने हाथ चुक लेने, आंदा रब्बा सोणिया मेरे पुत्र ने मेरिया बड़िया खिदमतां कीतियां नी, रब्बा मैं जांदी वारी दुआ करना वा, रब्बा मेरे पुत्र नो इंज दे रंग लावी, इत्थे भी दुनिया वेखे उत्थे भी दुनिया वेखे। आए
जी बाबा जुमले सुन जाया है रब्बा इंज जी बाबा किबला मेहरबानी इंज दी इज्जत देनी या अल्लाह मेरा पुत्र गरीब ना मर जाए या अल्लाह मेरा पुत्र मस्कीन ना मर जाए बाबा जी प्यो दियां अखां बंद हो गई ने बाप दियां अखां बंद हो गई ने हजरा जुमले समाद कर जाया रे बाबा जी सारे वीर आ गए आखन लगे अब्बा फोत हो गया है उन्हें आखिया पिछा हट जाओ थोड़ा कुछ नहीं लगता थोड़ा कुछ नहीं लगता सुनो थोड़ा कुछ नहीं लगता जे थोड़ा प्यो लगता छड़ के ना जांदे जे थोड़ा कुछ लगता आंदा दुखी करके ना जांदे है थोड़ी याद विच अब्बा रोंदा रहा है आंदा रहा बढ़िया मैं तेनों बड़ा मुश्किल पा लिया है वे छोटिया मैं तेरे कपड़े बड़ी मुश्किल लैके आंदा रहा अपने प्यो नू दफन करके वापस आया रे बाबा जी पहली रात आई है एक अल्लाह दा वली ख्वाब विच आया है उन्हें आखिया पुत्रा उठ जा फलानी जगह ते 10 रुपए पे नहीं चुक लै उन्हें आखिया बाबा बरकत है वे उन्हें आखिया पुत्रा बरकत कोई नहीं उन्हें आखिया बाबा जे बरकत ही कोई नहीं सानू लोड़ भी कोई नहीं सोना पे सुन दियो गल मुकान लगा जा बरकत है आई बाबे ने आखा कोई नहीं बरकत दूसरी रात आ गई फिर वही बाबा खाब वेखियो हूँ किस्मत इंज से इंज हो लगी तू की समझना पे उन्होंने तू बुढ़ी राजी नहीं कर सकता सारी जिंदगी मेरी गल लिख ली एक गल तो राजी कर लेंगा दूसरी तो नाराज हो जाएगी माँ प्यो ना कभी नाराज कर बैठी बच्चे थले बह जाओ मेहरबानी जुमले समाध फरमाया बाबा जी गल बड़ी वड्डी है तीसरी रात आ गई दूसरी रात आई बाबे ने आख्या 5 पे नहीं चुक लै उन्हें वही सवाल किया बरकत उन्हें क्या कोई नहीं तीसरी रात आ गई उन्हें कहा पुत्र 3 रात हो जाने तेरी ख्वाब होना पै कि बाबा जे तेरे लोग ना तड़फनते तो गल करी 3 रात हो जाने अज तीसरी रात ही 1 रुपया रह गया पहली रात किन्ने सन दूसरी याद पे कर दियो तीसरी 1 चुक लै उन्हें कहा बाबा बरकत उन्हें कहा पुत्र बरकत बड़ी आ आए हाए हाए आ मुल पैन लगाई छड़ के जा हाँ प्यो नू कित्थे तैनू सुकून लभदा कैंट टुर जा लाहौर टुर जा इस्लामाबाद टुर जा तैनू रात नू नींद नहीं पैनी आ मैं अपना दिल पे दर्द पे बयान करदा तकरीर ना समझो इहनू तैनू रात नू नींद नहीं पैनी तू कम अगे चुकना कदम तेरा पिछे आना है तू फिर बाबिआं नू आखना 5000 ले लो तवीज़ कर दिओ फिर तवीज़ भी तेरे कम नहीं आने सुन जाई फायदा होवेगा ही सुन जाई फायदा होएगा ही बाबा उस सुबह उठे उन्हें रुपया चुकया उस जगह तो ते रस्ते विच सोचता पे वे रुपये ना कारोबार तो होंगे कोई नहीं ते बाबे ने आख्या बरकत भी बड़ी है सोचता होवे पे जेन विच रस्ते विच बाजार आ गया वेख्या ते बाबा जी उत्थे मछलियां पियां विकन उन्हें कहा रुपये दियां किन्नियां उन्हें कहा 2 बाबा जी जुमले सुनो उन्हें कहा दे 2 मछलियां लईयां घर आ गया मैं मुख्तसर करना पिया टाइम थोड़ा जदों घर आ गया अपनी बीवी नूं कहिंदा इहनूं पका पी भी खा बच्चों ने भी दे आ हुण तवज्जो करियो उन्हें छुरी लई किचन च जाके ना किबला उन्हें मच्छी नूं साफ करन लगी ना जदों टक लाया वह गंद बाहर कढ़न लगी उहदियां चीखां निकल गई परेशान हो गई आए हाए हाए इत्थे जुमले सुनिया जे परेशान हो गई परेशान हो गई ते रो के आंदी ए मच्छी कित्थों लै के आया है केड़े बाजारों केड़े दरियाओं केड़ी नहर चू लैके आए ने आख्या नी चलीए जिथू दुनिया पी लैंदी सी उथू लैके आया वा कोई नवी दुकान तू लैके नहीं आया किसे बाजार किसे होर चू लैके नहीं आया उन्हें तली दे 2 हीरे रखे ने उन्हें आख्या तेनू मुबारक होवे दुआ मछलियां दे पेट विचों अल्लाह ने 2 हीरे दिते आए हाय बाबा जी हुण जुमले सुनिया जे 2 हीरे आए ने उन्हें आसमान वाली चेहरा उठाया है आसमान वाली चेहरा उठा के आंदा किन्ने कीता है उत्तों आवाज आई असा कीता है ओए मलन साहब जुमले सुनिया रे असा कीता है जुमले समाप्त करिया रे उत्तों आवाज आई असा कीता है हीरा लैके बाजार आ गया है सुनियारे नू आंदा हीरे दा मुल ला किन्ने पैसे दवेगा सुनियारा कदी हीरे नू वेंदा है
कदी बंदे नू वेंदा है हंदा दिल करदा तनू दालाला दिल करदा तनू दालाला तनू पता नहीं पर जमीर अंदरों आंदा है इनू दान लई जिन्ना प्यो नू सांभिया होवे उन्हां नू दान नहीं लई जी जिन्ना पियोवां दियां सेवा कीतियां आण उन्हां नू दान नहीं लगदे उन्हां नू दान नहीं लईदे हजरा जुमले समाध कर जाया ने जदों इन्नी गल कीती है उन्हें आखिया सनियारिया मैनू दस हीरा लैके कित्थे जावां उन्हें आखिया बादशाह कोल चला जा ए हीरा बड़ा कीमती है बाबा जी जुमले जाया ना करिया ने ए हीरा बड़ा कीमती है एदा मुल बादशाह ही ला सकदा है मलक हबीब साहब अल्लाह दी कसम है जुमले रुला देने सुहेल साहब हीरा लैके बादशाह कोल आया है आखन लगा मुल ला बादशाह आखन लगा की लेना है आए हाय की लेना है उन्हें आखिया बादशाह जो मर्जी दे रहे बादशाह ने आखिया है तनु एक हीरे दे बदले जल्दी ना रख सको गल जाया ना हो जाए बाबा जी जुमले सुनियो मैं गल उठे लैके आ गया उस स्टेज ते लैके आ गया सिर्फ दो तीन मिनट रह गए जुमले बह के सुन जाया ने फरमाया एक हीरे सिर्फ दो मिनट इंतजार करो उस तो बाद ले आया जी फ्रूट आ जाएगा जिंदाबाद असल मकसद गल दा ना फ्रूट तो आ जाएगा खा भी लवेंगे कोई गल नहीं गल हूँ जाया हो गई तो फिर मैं वो सरूर नहीं रहना मैंने मैं अंदरू राजी नहीं होना बाबा जी मैं खुद राजी अपने आप को करना भी तू दस तेन समझ आन रही है तू अंदरू गल करना पे जो तो मेरे अंदरू आवाज़ आए ना वाकई तो फिर बंद भी पता लगता बाबा जाया नहीं करनी वो सुनियारे को गया बादशाह को बादशाह आख्या की लेना है उन्हें कहा हजूर जो मर्जी दे दो मैनू तो पता नहीं कीमत की है इतने सुनी वो तिना ने जमीन लिया उन्होंने विक गई जिन्हें प्यो ने छड़िया से विक जा जे नहीं तो तजर्बा करके वेख लो आप ही तुम चौं समझ आ जाएगी ये जिन्हें अब्बा लिया से ना ये गरीब से बड़ा रोटी खाने वास्ते पैसे ने हूँ किस्मत अल्लाह बदलन लग्या दी हाए हाए हूँ सिला मिलन लगा प्यो न घर रख का प्यो की खिदमत का सिला बादशाह ने आख्या तरी खच्चर किन्ने बोलो बोलो किन्ने मलिक साहब तरी खच्चर सोने ते चांदी दे लद के एदे नाल टोर दियो ए एक हीरे दी कीमत है किन्नी बाबा जी एक हीरे दी कीमत ओ जदो लैके टुरिया ना सुनियारे उन्हें क्या बादशाह नु आख्या भी इहनू पुछ होर भी आई आए हाए हाए सुनो सुनो मेहरबानी होर भी आई बादशाह ने उन्हें आवाज मारी ओ मुंडिया गल सुन उन्हें क्या जी बादशाह और भी आई उन्हें क्या है वे उन्हें आख्या वेचना ही आए हाए हाए लुत्फ बड़ा ना जुमलिया वेच मैं तो बड़ा सुकून लैंना वेचना ही उन्हें आख्या वेचना उन्हें क्या लै क्या उन्हें आख्या मेरी एक शरत मेरी एक शरत बादशाह आखन लगा केड़ी शरत आंदा के मुल तुसा लाया है हुण मुल असा लाना है जिन्हों समझ आई उन्हें ही बोलना दूसरा परेशान है अगे मुल तुसा लाया है हुण मुल असा लाना है हुण असा लाना है बादशाह आखन लगा हीरा लै गया बाबा जी हीरा लैके आ गया बादशाह आंदा की लेना है आंदा डबल कीमत लेनी है बादशाह आखन लगा डबल ही दे दया ने बाबा जी जदों खच्चर सोने ते चांदी दे लद गए ओदे पिंड दियां गलियां विच टुरे ने इत्थे जुमले सुने बाबा जी पूरे पिंड विच दवाइयां पै गईयां ने पूरे पिंड विच शोर पै गया जे ए पिंड वालियां ए गरीब रातों रात सुनो सुनो ए गरीब रातों रात अमीर हो गया है जी बाबा जुमले सुनिया जे खबर चलदी चलदी ओदे वीरा तक आ गई है भरा भी वीर दरवाजे ते आए ने उन्हें आखिया वीरा बन्ने आ जा
बाबा ए जुमले सुनना लेने वीरा बने आ जा ओदा वीर बने आया है उन्हें आखिया वीरो आज मेरी याद किमें आ गई है आज मेरे बुए ते किमें आए हो इत्थे बाबा जुमले सुनी आज मेरी दहलीज ते किमें आए हो उन्हें आखिया यारा ऐसी सुनिया है तो रात अमीर हो गया है तू करोड़पति हो गया है बाबा जी यदियां अखा विच अथरू जारी होए नाले रोई जांदा है नाले वीरां दे सामने हाथ बनी जांदा है आंदा सोना ले लो चांदी ले लो खच्चर ले लो सारा कुछ ले लो ऐ मैं सोनिया दा भुखा कोई नहीं है मैं पैसिया दा भुखा कोई नहीं है जे मैं लालची आंदा प्यो नू कदी लैके ना आंदा ओए हाय जे मैं लालची आंदा जे मैनू पैसिया दी फिकर आंदी अब्बा लैके ना आंदा उन्हें आखिया सोना लै लो चांदी लै लो चांदी लैके चांदी वरी ए छोटे मरागी वालिया नू दस जाया जे जिन्ना प्यो नू छड़िया है बर्बाद हो गए ने जिन्ना प्यो नू संभिया है और रातो रात अमीर हो गए इत्थे सुन जिन्ना प्यो नू संभिया रातो रात अमीर हो गए ने उन्हें आखिया दुनिया नू दस जाया जे है ट्रैक्टर विक जांदे ने जमीना विक जांदियां ने हवेलियां विक जांदियां ने कदी बाप नू छड के ना जाया रे कदी बाप तू चेहरा मोड़ के ना जाया रे कदी बीवी नू लैके पिंड छड के नस ना जाया रे जेड़े प्यो नू छड जांदे ने ओ गरीब हो जांदे ने जेड़े प्योवां नू सीने ला लैंदे ने ओ रातो रात अमीर हो जांदे ने टाइम मुकम्मल हो गया अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल।